तो यू कैन अन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, क्या आपको पता है बीसी सखी बहनों का संघर्ष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी बीच सरकार एक नई सूचना लेके आ गई है जिस शासनादेश में मिशन निदेशक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन गोमती नगर लखनऊ के द्वारा सभी उपायुक्त स्वतः रोजगार के नाम ये पत्र लिखा गया, शासनादेश जारी किया गया है जो 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। दोस्तों, क्या बीसी सखी बहनें सरकारी होंगी या बीसी सखी बहनों का मानदेय बढ़ाया जाएगा या बीसी सखी बहनों का मानदेय पूरे जीवन मिलेगा, या फिर अगर मैं आपको बताऊं तो 75,000 रुपये जो भी लोन दिया गया था क्या उसको माफ़ कर दिया जाएगा। इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिल सके। तो निवेदन करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बहुत बड़ी खुशखबरी इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगी। निवेदन करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, ये आपको अगर मैं बताऊं तो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसी सीरीज में सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 लॉन्च कर दिया है जिसके अंतर्गत दिनांक 1 फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बीसी सखियों द्वारा डिजिटल लेन देन अभियान के संबंध में बढ़ावा देना है और इस संबंध का सीधे तौर पर लाभ उत्तर प्रदेश की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिलेगा। यानी कि सरकार का जो भी मिशन है आत्मनिर्भर भारत अभियान या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मिशन, उस मिशन को लेकर ये शासनादेश एक बहुत बड़ा शस्त्र साबित होगा। तो दोस्तों, आगे मैं बताता हूं किस तरीके से संयुक्त सचिव के द्वारा जारी किया गया बयान जो दिसंबर 2022 में 27 दिसंबर को और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 25 जनवरी 2023 को जो शासनादेश जारी किया गया, उस शासनादेश का संदर्भ लेते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय ने कहा है कि इस विषय के अंतर्गत संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 के दौरान सभी जिलों की कुल 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 1 फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक एक राष्ट्रव्यापी अभियान का आयोजन किया जाना है। इसका मुख्य उद्देश्य जन भागीदारी के द्वारा स्वयं सहायता समूहों, उनके परिवार के सदस्यों एवं ग्रामीण समुदाय को बीसी सखी केंद्रों के माध्यम से डिजिटल लेन देन हेतु प्रोत्साहित करना है। यानी कि बहुत कुछ अब चेंज हो गया है क्योंकि इंटरनेट लगभग सबके मोबाइल में सबके घर में होता है और वो लोग भी खुद से ट्रांजेक्शन करना जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसका ट्रांजेक्शन किसी एक प्रशिक्षित व्यक्ति या युवा या महिला से कराना होता है। तो दोस्तों, उसी चीज़ को लेकर सरकार एक निर्धारित लक्ष्य बनाई, एक टारगेट दी है। अगर आप 250 ट्रांजेक्शन एक महीने में बीसी सखी बहनें करेंगी तो वही बीसी सखी बहनें मानदेय और भत्ते की हकदार होंगी। पहले चरण में 3 जनपद कुशीनगर, चंदौली, सोनभद्र में लक्षित ग्राम पंचायतों में अभियान की शुरुआत की जाएगी जिसमें 225 ग्राम पंचायतों का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे चरण में दिनांक 1 मार्च 2023 से 15 अगस्त 2023 तक सभी जनपदों की सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल अभियान चलाया जाएगा जिसमें 49,775 ग्राम पंचायत को सीधे तौर पर लक्षित किया गया है। डिजिटल अभियान के अंतर्गत बीसी सखियों द्वारा न्यूनतम मासिक लेन देन संख्या सुनिश्चित करना है जिसमें 250 ट्रांजेक्शन आप एक महीने में ज़रूर करेंगी। अगला है, अभियान के अंतर्गत बीसी सखियों द्वारा 4 बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में समूहों का ड्यूल ऑथेंटिकेशन मैपिंग द्वारा डिजिटल लेन देन कराया जाना है जिसमें सभी सक्रिय समूह को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और इस अभियान के अंतर्गत समूह सदस्यों का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में नामांकन सुनिश्चित करना है जिसमें 90% से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ये बीमा दिलवाना है, वो भी बीसी सखी के माध्यम से दिया जाएगा। अभियान के अंत तक समूह सदस्यों का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन सुनिश्चित कराया जाएगा जिसमें 75% समूह यानी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सीधे तौर पर करवाया जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार आपकी ब्रांडिंग खुद करने जा रही है जहां पर आपका नाम आपकी ग्राम पंचायत में कम से कम 100 से ज़्यादा जगहों पर आपका नाम, चाहे तो आप बीसी सखी या डीजीपी सखी या पे पॉइंट चलाती हैं, और आपके कार्य क्षेत्र का नाम, गांव, ग्राम पंचायत का नाम और फ़ोन नंबर, ये चीज़ें अंकित होंगी ताकि किसी को ज़रूरत पड़े तो आप सीधे तौर पर कॉल करें और आपके ऑफिस में जाकर इन सभी योजनाओं का जो सरकार मुफ्त में आपको दे रही है लाभ उठा सके, वो भी बीसी सखी के माध्यम से। तो निवेदन करता हूं, जो भी बीसी सखी बहनें हैं उन लोगों को बहुत बड़ी खबर मिल गई होगी। बाकी जो भी स्वयं सहायता समूह हैं उन लोगों की भी अब आमदनी 4 गुना 5 गुना नहीं 10 गुना होने वाली, यानी कि सरकार आप आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने जा रही है। ज़्यादातर महिलाएँ खुद से आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, जो भी बीसी सखी मनरेगा महिला में ग्राम रोजगार सेवक या बीसी सखी बनी है। निवेदन करते हैं, अगर जानकारी अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की वीडियो आप तक पहुंच सके। निवेदन करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से ज्यादातर लोगों को फायदा पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।